नमस्कार, राजधर्म में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। नमस्ते, मैं राशिद। 186 सीटों के राजधर्म की बात होगी आज। दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और इसी के साथ एक तिहाई 543 में से एक तिहाई सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं और दो चरण की 186 सीटों का राजधर्म क्या कहता है अगले घंटे इसी पर होगी बात। लेकिन इसी दूसरे चरण में अगर जूता कांड हो जाए तो सवाल उठता है, बुरका बम अगर गिरा दिया जाए तो सवाल तो उठना लाजमी है। और इन्हीं सब के साथ में है आज राजधर्म की तस्वीर। दूसरे चरण का मतदान आज हो चुका है पूरा। उत्तर प्रदेश की 8 और सीटों पर भी वोटिंग हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच आज सेकेंड फेज की वोटिंग के दौरान आज कई बड़ी खबरें आई। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे साध्वी प्रज्ञा को लेकर के। भूपेंद्र यादव भी भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा है, वो भी साथ में बैठे हुए थे। तभी कानपुर के एक शख्स ने जिसका नाम है आशीष भार्गव, उसने उनके ऊपर जूता फेंक दिया। पूरी तरह से ये निंदनीय है, जूता क्यों फेंका पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और उसके बाद दिन भर की ये बड़ी खबर बनी रही। लेकिन इसके अलावा भी खबरें कई रही खास, और सारी खबरें दूसरे चरण से जुड़ी हुई हैं। हमने खबर ये दिखाई कि बीजेपी के सांसद हैं बुलंदशहर से भोला सिंह, बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोला सिंह, और भोला सिंह को नज़रबंद कर दिया गया इसलिए क्योंकि वो पोलिंग बूथ पर जाकर के आशीर्वाद दे रहे थे लोगों से और ऐसा कहा गया कि मतदान को प्रभावित करने की उन्होंने कोशिश की है। वहीं बैन पर, 72 घंटे के बैन पर योगी बाण भी चला है क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले लखनऊ में बजरंग बली का दर्शन करने के बाद अयोध्या और देवी पाटन होते हुए आज बनारस में पहुंचे। संकट मोचन का उन्होंने दर्शन किया है और संकट मोचन संघार विपक्ष का इसी के जरिए करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इन सभी के बीच में बुरका बम एक बार फिर से गिरा है। करण सिंह तंवर जो कि अमरोहा के सिटिंग MP हैं, उन्होंने और अमरोहा से बीजेपी के विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी, इन दोनों ने यह कहा कि बुर्का पहन करके महिलाएं आ रही हैं और फर्जी वोट डाला जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बुर्का पहन करके आ रहे हैं। इन सभी के बीच लेकिन पहले चरण का 91 सीट, दूसरे चरण पर 95 सीट, कुल मिला जुला करके 186 सीट का गणित क्या कहता है, 186 सीट का वोटर टर्नआउट क्या कहता है, 186 सीट की खबर क्या कहती है, वोटिंग पैटर्न क्या कहता हो, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ अगले घंटे राजधर्म में। लेकिन साथ ही साथ खास बात यह भी नोट की गई कि पहले चरण की तरह ही पहले उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग हुई पहले चरण में, आज फिर दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन वोटों का जो प्रतिशत है वो पहले भी गिरा और अब दूसरे चरण में भी गिरा है। दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है लेकिन उत्तर प्रदेश की 8 में से 7 सीटों पर 2014 के मुकाबले कम वोटिंग टर्नआउट रहा है। दूसरे चरण को लेकर के, जूता कांड को लेकर के, आज अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर के, पूनम सिन्हा के नामांकन को लेकर के, योगी आदित्यनाथ, बुरका बम, इन सभी को लेकर के राज बब्बर, अखिलेश यादव, दानिश अली, कंवर सिंह तंवर, इन सभी को आगे हम आपको सुनाएंगे। लेकिन खास बात यह भी कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि बुरके में छिपकर कभी महिलाएं सेम जगह पहुंचकर वोट डाल रही हैं, तो कभी क्या कहा यह भी जा रहा है कि बुरके में पुरुष भी पहुंच रहे वोट डालने। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहले चरण की बात भी और दूसरे चरण में भी ये कहते हुए नजर आए कि वोटों की बारिश हो रही है। वो वोटों की बारिश आगे बढ़ रही है और साथ में चरण तक न जाने कितनी वोटों की बारिश होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बारे में बहुत खुलासा कर दिया है कि सस्पेंस है, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं सस्पेंस है तो हम तो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, हम तो सस्पेंस बना के ही रखेंगे। 9 गांव के अंदर फर्जी वोटिंग हो रही है, 9 गांव, और वहां 4-5 बूथ हैं, वहां लेडीज जो है उन्होंने गड़बड़ करी है। वो बुर्का के अंदर आती है तो चेक करते नहीं, गलत आईडी ले लेकर उन्होंने वोट डाली है। और एक कोई अभी उन्होंने पकड़ा, एक जेंट्स था उसने बुर्का पहन के वोट डाली, उसकी वजह से गड़बड़ हुई है। आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है? हाँ, एक पकड़ा गया है तो उसकी वजह से गड़बड़ हुई। लेकिन अब बीजेपी वाले तय करेंगे कि कौन क्या पहनेगा, किसी को जीन्स पहननी है या किसी को स्कर्ट पहनना है या किसी को बुर्का पहनना है। कुछ चीजें समझनी बेहद जरूरी है। 186 सीटों का गणित क्या कहता है, क्योंकि यहां से अब चुनाव जो है वो मुलायम सिंह यादव का जो असल में कर्म क्षेत्र है, कर्मभूमि है, उस तरफ निकल जाएगा और समाजवादी पार्टी का जहां पर कड़ है उस तरफ निकलने जा रहा है। और हाँ, इसके बाद रामपुर का चुनाव भी है और इसीलिए 186 सीटों का गणित असल में क्या कहता है, वोटर टर्नआउट क्या कहता है, लेट्स ओपन द डिबेट। इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो भी गेस्ट मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं मेरे साथ में कर्नल दयाशंकर दुबे,
सुचि विश्वास जी कांग्रेस के आप नेता हैं, कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के बहुत ही मुखर वक्ताओं में से एक हैं। सुचि जी भी अपनी बात बहुत फैक्टफुल तरीके से कहती हैं और बड़ी बात यह है कि सुचि जी बहुत अच्छे अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल करती हैं, धारा प्रवाह बोलती हैं, भाषा में बड़ी धनी हैं। अजयवीर जी आरएलडी के नेता हैं, किसानों की राजनीति करते रहे, जमीन की राजनीति को जानते हैं, पहचानते हैं। एके मिश्रा जी मेरे साथ लगातार, इनके लिए भी एक मैराथन दौर चल रहा है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, मैं खासतौर से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरी पूरी टीम के साथ में एके मिश्रा लगातार पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, और मुस्लिम स्कॉलर वसीम अकरम, पाकिस्तान वाले नहीं हिंदुस्तान वाले, वसीम अकरम भी हमारे साथ में है, और हिंदू धर्मगुरु एचएस रावत भी अब से थोड़ी ही देर के बाद हमारे साथ में जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गणमान्य का, आप सभी माननीय लोगों का। पहला सवाल क्यों ना मैं एके मिश्रा से ही कर लूं। एके, 2014 के मुकाबले मेरे हाथ में वोटर टर्नआउट है, और अमरोहा को अगर मैं छोड़ दूं, नगीना बुलंदशहर, अलीगढ़ हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, वोटर टर्नआउट सेकंड फेज का पहले के मुकाबले कम रहा है, ये क्या है? एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, क्या है ये? नहीं नहीं, स्ट्रेटेजिक वे में अगर आप देखिए ना, थोड़ा सा एंटी और प्रो इनकम्बेंसी से ऊपर उठिए और लोकतंत्र के लिए क्या मायने हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए और जनता के लिए क्या मायने हैं, हाँ। तीन पैरामीटर पे देखिए। देखिए वोटिंग परसेंटेज अगर कम हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी पार्टी से जनता खुश नहीं है, उदासीन है, ठीक है। अगर जनता खुश होती तो जनता एक दृढ़ निश्चय करती, इसको जिताना है, इसको हराना है, अपने आप 70-75% 80% वोटिंग परसेंट जाता। दूसरा ये है, पॉलिटिकल पार्टी और उनके हायर्ड किए हुए करोड़ों रुपए दे करके स्ट्रेटेजिक टीम के लिए, इन्होंने जितनी भी कैंपेनिंग की, जितने भी मुद्दे किए, और सेल्फ क्लेम्ड जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट और नेता राम, वो फुस। एके आप एकदम धर ही लेते हैं, मतलब शुरू में ही ऐसा शिकंजा बनाते हैं ना, ऐसा शिकंजा बनाते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है जो उसकी परिधि होती है ना, हर बार अपनी परिधि आप नाप करके आते हैं, डायमीटर और रेडियस लेकर के आते हैं कि इस बार का जो पॉलिटिकल डायमीटर होगा ये होगा, इसका रेडियस ये होगा, और इस तरह से मैं शिकंजे में ले लूंगा, आज मैं इस तरह से शिकंजे में ले लूंगा। शिकंजे में पता नहीं दयाशंकर दुबे जी आएंगे, कपीश जी आएंगे, सुचि जी आएंगे, अजयवीर जी आएंगे, शिकंजे में कौन आने जा रहा है? हार्वर्ड के स्टीव जार्डिंग, कोई चाणक्य, कोई विदुर, सब अपने आप को 5 साल। हाँ तो हिंदुस्तान की राजनीति भी है ना महाराज, पग पग में राजनीति भी तो बदला करती है। इंडिया की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं कि भारत की राजनीति, ठीक है, फर्क देखना, ठीक है। अब बयानों का भी फर्क देख लेते हैं, कपीश श्रीवास्तव के पास में चलते हैं। कपीश जी, अखिलेश जी ने ये कहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वोटों की बारिश हुई है, हालांकि वोटर टर्नआउट कम हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव को ये लगता है कि वोटों की बारिश हुई है, अगर बारिश हुई है तो भीगा कौन है और सूखा किसके लिए रहा? राशिद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और अखिलेश जी की बात पहले उठाई इसके लिए धन्यवाद भी। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि देखिए जो पिछला वोटिंग पैटर्न था उससे कहीं कम वोट इस बार टर्नअप हुआ है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और ये हमेशा आप पुराना अगर इतिहास उठा करके देखें तो जब भी कम वोटिंग परसेंटेज होता है तो निश्चित सत्ता के विरुद्ध जाता है, और आप देखें इसमें भी गाँव में ज़्यादा हुआ है और शहर में कम हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो अखिलेश जी ने कही है कि जो भी वोट गिरे हैं, जो वोटों की बारिश हुई है वो सिर्फ गठबंधन पे हुई है, ये इस बात को साबित कर रहा है, और यही आपको 23 मई की गिनती में दिख भी जाएगा। ठीक है, आपको ये लगता है कि गठबंधन पर वोटों की बारिश के खिलाफ है? ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। बहुत जल्दी जल्दी मैं चलना चाहूंगा, कर्नल दयाशंकर दुबे जी भी हमारे साथ में है, रिटायर्ड कर्नल है, फौजी है, फौजी की जबान जो बोलती है दिल भी वही बोला करता है, आज देखते हैं दिल और जबान एक साथ में बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे। कर्नल दयाशंकर दुबे, वोटर टर्नआउट कम हुआ है और पूरा उत्तर प्रदेश एक ही सवाल कर रहा है कि अगर 8 में से 7 सीटों पर पिछली बार के मुकाबले वोटर टर्नआउट कम हुआ है तो इसके मायने क्या हैं? 3 दिन 72 घंटे का जो बैन लगा, योगी आदित्यनाथ बजरंग बली का दर्शन करने के लिए भी पहुंचे, देवीपाटन भी गए, अयोध्या भी गए, संकट मोचन का भी दर्शन कर लिया, संजीव बालियान ने फर्स्ट फेज में बुरका भंग गिरा ही दिया था, इस बार और बीजेपी के जो नेता हैं करण सिंह तंवर या फिर महेंद्र सिंह खड़गवंशी, इन सभी ने बुरका भंग गिरा दिया, इसके बावजूद भी वोटर टर्नआउट कम हो गया, ऐसा क्यों? राशिद जी, जो थोड़ा बहुत समय में मैंने राशिद से, रचना से या एके मिश्रा से सीखा है वो ये समझा है कि जब मत पड़ता है और यदि वो एक सामान्य तौर पर पड़ता है तो ये माना जाता है कि कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा टर्न आउट हो जाता है तो वो इसलिए होता है कि जो है उसको टर्न डाउन करना है। इसका उदाहरण आपने देखा है,
अभी अच्छा, मतलब आपने स्वीकार कर लिया जो है उसको टर्न डाउन कर लिया, टर्न आउट हुए हैं, 8 सांसद हैं तो उन्हें टर्न डाउन कर देना, उनको टर्न डाउन किया जा रहा है। देखिए कितनी खुश हो गई प्रदेश के अंदर, हम अपने चेहरे पर एक नई लहर दौड़ गई, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया, इसका मतलब यह है कि जो है उसे टर्न डाउन कर देना। अब दूसरी बात, दूसरी बात पर आते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल सर, हम आपकी बातों को बड़ा स्पष्टता के साथ स्वीकार करते हैं, इसमें कोई बहुत वो बात नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो भी टर्नआउट आपने देखा है ये सस्टेनेबल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा पिछली बार से इस बार में फर्क नहीं है। इसका मतलब कि वहां का जनमानस तैयार है कि जो पार्टी है वो रहे तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात कि यदि अखिलेश जी के यहाँ वोटों की बारिश हो रही है तो ठीक है, कपीर जी मेरे बगल में है, ये पसीने पसीने हो रखे हैं, भीग भी रहे हैं, ये इनको मुबारकबाद निकले हुए, उसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना। अभी इन्होंने वोट के लिए आदरणीय पूनम जी को देखिएगा, ओले ना पढ़ने लगे, अच्छी बात है, छतरी मत खोलिएगा, रेनकोट पहन करके चलिएगा, रेनकोट पहन करके चलिए। जयशंकर दुबे जी, 2014 में बहुत शोर सुना तो था ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, जब हमने देखा कि बीजेपी बहुमत के साथ आ गई और इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता ही इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कह रहे बुरके में तो आदमी जाकर वोट डाल रहे हैं, बुरके में तो पहचान नहीं हो पा रही है। इस बार विपक्ष बहुत खामोश है, शांत है, खुश है, आश्वस्त है, ऐसा क्यों? इस बार भी रचना जी, इस बार भी जब मतगणना होगी और भारतीय जनता पार्टी के बीच के लिए सभी भारतीय अपना मत दे चुके होंगे तो आप देखेंगे कि ये फिर कहेंगे कि फिर एक बार ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी ये कुछ नहीं कहेंगे, 3 राज्यों में कांग्रेस ने जीता तब कुछ नहीं कहा, इनको तब तब दिक्कत होती है जब जब ये हारते हैं या हारने के कगार पर होते हैं। तो इस पर ज्यादा चर्चा मुझे न करना हो क्योंकि चुनाव आयोग इसको ऑलरेडी पॉलिटिक्स में, मैं एक ही बात कहता हूं, हमें तो ये जानना है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग, जी किस वक्त पे किस तरह का एक्शन किया जा रहा है, सर, किस वक्त पे किस तरह का नैरेटिव अख्तियार किया जा रहा है और किस वक्त में किस तरह की पोस्टरिंग हो रही है। वेरी राइट। दूसरे चरण के चुनाव की शुरुआत हुई, वैसे ही हम सभी के घर पे सुबह सुबह द हिंदू अखबार आया, पता ये चला कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बनारस की बात कर दी है। प्रियंका पर उनसे सवाल किया गया, उन्होंने ये कहा कि देखिए सस्पेंस बरकरार रहे तो अच्छा है, इस बात को न तो मैं स्वीकार करूंगा और न ही डिनाई करूंगा। दूसरे चरण के मतदान के दिन राहुल गांधी का यह इंटरव्यू आना, बनारस को लेकर के इस तरह का बयान आना, तब जबकि यह पता है कि आज ही बनारस में योगी आदित्यनाथ भी हैं, क्या वाकई किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था क्या ये? देखिए जी, योजना बनाने में सुची जी से सवाल है मेरा, ये सुची जी से सवाल है मेरा, कहता हूं विपक्ष दूसरे दल के होने के नाते, सुची जी मुश्किल ये है कि योजना बनवा करके उसको बड़ा कद है एक लाइन में कहता हूँ कि देखिएगा ये प्रियंका जी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। अच्छा ठीक है, इनकी सूची जी को जवाब देने दीजिए ना, गए तो उसका ठीक है, सूची जी को जवाब देने दीजिए, और जी लेट सूची जी रिस्पॉन्ड, लेट सूची जी रिस्पॉन्ड, सूची जी बोल सकती हैं आप नेक्स्ट। नहीं, मेरा आपसे मेरा प्राइमरी आपका क्वेश्चन मुझी से था, लेकिन क्या बताया जाए, ना तो जवाब सुनने का धैर्य है और ना तो प्रश्न को लेने का धैर्य, तो प्रश्न आपका मुझसे था, मैं उसी पर आ रही हूँ। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें तात्कालिक है और बहुत सारी चीजें नैसर्गिक, तो जब तक किसी भी वक्तव्य की आधिकारिक घोषणा न हो तब तक इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी अनुचित होगी। बाकी उनका बहुत बड़ा आभा मंडल है, 5 घंटे में अगर 7 करोड़ लोग गूगल करते हैं या लोग उनमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं या एक उनसे कनेक्टिविटी महसूस करते हैं या रिलेट करते हैं, तो ये तो चीजें समय आने पर सिद्ध होंगी। और ये निश्चय ही जैसे पॉलिटिक्स में आने का चयन और समय उन्होंने स्वयं तय किया, उस तरह से इस पर अभी कुछ हम आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते जी, लेकिन हमने देखा था प्रियंका गांधी जब जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर रही तो बीजेपी की तरफ से मैराथन बैठक हुई थी, घंटों तक ये मीटिंग चली थी कि कैसे प्रियंका गांधी का तोड़ निकाला जाए, कैसे अपना ब्रह्मास्त्र चलाएं। एक तरफ प्रियंका गांधी दौरे कर रही हैं, क्या कुछ ऐसा ही अब राहुल गांधी ने कर दिया है, एक तुर्रा छोड़ दिया है बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए? एक्चुअली जब व्यक्ति अपने कर्म में कहीं ना कहीं अपरिपक्व होता है, जब वो कहीं ना कहीं अंदेशे से घिरा होता है, भयभीत होता है, तो भांति भांति के भयानक स्वप्न आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तो ये तो दबाव की स्थिति है, क्योंकि विगत 5 वर्षों की उपलब्धियां लगभग निल है और फर्जी राष्ट्रवाद और तमाम, अभी आप मतदान के परसेंटेज पे ही बात कर रही थी तो अभी मैं एक चैनल पे थी, उसमें आगरा के 60 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव मंगोलिया और 2 अन्य गाँव दिखा रहे थे,
मंगोली या कुछ अन्य नाम था, तो पूरे पूरे गांवों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है, कहीं पानी की कमी के चलते और कुछ ऐसी जगह लाइनें थी जहां ईवीएम्स नहीं सही हुई, कुछ हुआ कि मतदाता पर्चियां नहीं बन पा रही हैं, कई जगह ऐसी दिखाई गई जहां पर मशीन खराब हो गई उनको टाइम लगा, कई जगह ऐसी दिखाई गई जहां लोग उनके नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। पिछले चरण के चुनाव में भी आपने देखा था कि प्रारंभिक दो घंटे में मेरठ में ही अकेले 100 से ज्यादा मशीनें खराब थी। तो बहुत आवश्यक है कि चीजों में परफेक्शन हो, कंट्रोवर्सीज एंडलेस इन एवरी एस्पेक्ट। अजय वीर जी, दूसरे चरण के बाद आप गठबंधन को कहां देखते हैं, आरएलडी को कहां देखते हैं? रचना जी, जैसे पहला चरण का चुनाव हुआ था उसमें भी मुजफ्फरनगर में आपने देखा था, मुजफ्फरनगर के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे संजीव बालियान जी, उन्होंने बुरके का मुद्दा उठाया था और अब दूसरे चरण में तंवर साहब ने बुरके का मुद्दा उठाया है। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार रहे हैं और ये हार में उनकी हताशा साफ नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव में आई थी और जैसे जैसे चरणों का चुनाव होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने मूल एजेंडे हिंदू मुस्लिम पर पहुंच रही है। आप देखिएगा प्रज्ञा ठाकुर जी को चुनाव लड़वाना और अपने इसी तरह से हिंदू मुस्लिम पर आना, योगी जी पर 3 दिन का बैन लगा था, उन्होंने बैन का क्या माना है, मंदिरों में जाना, लाइव टेलीकास्ट कराना। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है इन दोनों चरणों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात जहां तक बात है, यहां गठबंधन के पक्ष में भारी मतदान हुआ है और गठबंधन के उम्मीदवार यहां से जीतने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार यहां से हारेंगे। कर्नल दयाशंकर दुबे, आरएलडी नेता का यह कहना है कि बीजेपी डरी हुई है दो चरण के इलेक्शन के बाद, क्या वाकई आपको डर लगता है? जी, इनसे तो बहुत डर लगता है क्योंकि ये 89 से राजनीति में प्रखर आए और इनका एक ही मुद्दा रहा है कि एक सरकारी विभाग मिल जाए, एक दो सांसद मिल जाए, एक दिल्ली में बंगला मिल जाए। देखिए, मथुरा से पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, यदि आपको लगता था कि हेमा मालिनी भी साथी रहे कर रही है ऐसे तो मत बोलिए ना, भागना क्यों अगर ये मौका परस्त है, अगर ये मौका परस्त है तो पिछली बार एनडीए में क्यों साथ में लेकर के थे आप? हिंदुस्तान की एनडीए में भी तो साथ में रहे ना ये, जिसके साथ आप अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए उसके साथ सरकार बनाने में हिस्सा नहीं लिए। आपको यदि बीजेपी भी मौका दे तो कोई शक नहीं है कि आप विद इन 2 डेज आप सीधा चले आएंगे और आकर के कर ओके, तो आपका नारा अलग है, विचित्र नारा है, आपकी प्लानिंग अलग है, इसका हम सम्मान करते हैं। देश के जाने माने हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच एस रावत भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर एच एस रावत, बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि दोबारा से आप मेरे साथ में बैठे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय बहुत बेशकीमती है, बहुत बहुमूल्य है हमारे साथ में आप बैठे। डॉक्टर एच एस रावत, चूंकि आप जी राशिद जी हिंदू धर्म को भी समझते हैं, आप मुस्लिम धर्म को भी समझते हैं, आप हिंदू माइथोलॉजी को हर कॉन्टेक्स्ट में देखा करते हैं आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की सियासत को धर्म के चश्मे और नजरिए से देख करके बहुत बार पिछले कम से कम 8-10 साल में मेरे साथ आप डिबेट में रह चुके हैं। मुझे एक बात यह बताइएगा डॉक्टर एच एस रावत, यहां पर यह कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज में संजीव बालियान के जरिए बुरका बम गिराया गया था, अब करण सिंह तंवर ने यह कहा कि बुरके के जरिए फर्जी वोटिंग कराई जा रही है, क्या इसके जरिए आपको भी लग रहा है कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है? देखिए राशिद जी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन क्या होता है जब दो खिलाड़ी खेलते हैं तो एक अगर बाजी मार ले तो दूसरा तो हताशा कहीं ना कहीं शो करेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण नहीं बीज बोए। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हाल हुआ, वहां पर सारे की सारे कश्मीरी ब्राह्मणों को भगा दिया गया आवाज लगा करके, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, वहां हिंदुओं की कोई बात करने वाला नहीं था। उससे पहले देश आजादी से पहले मुस्लिम लीग की बनी इसलिए थी कि सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण तैयार किया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी अगर इस रेस में आगे निकल गई है तो मुझे लगता है गठबंधन को शायद मरोड़े हो रहे हैं, तो उनको शायद ये ऐसा फील हो रहा है कि वो पिछड़ गए कहीं ना कहीं, नहीं तो शुरुआत तो मायावती ने करी थी। मुसलमान और दलित जुड़ जाए, फिर मुसलमान और यादव जुड़ जाए, उत्तर प्रदेश में पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है, मरोड़ हो रही है। कपीर जी, एक हिंदू धर्म गुरु का कहना यह है कि गठबंधन को ऐसा पेट में मरोड़ हो रही है,
अजवाइन लिया नहीं लिया आपने? मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू धर्मगुरु ये कह रहे हैं आपके पेट में मरोड़ हो रही है, तो अजवाइन वगैरह लिया या नहीं लिया आपने? हाजमे की कुछ गोली, अजवाइन वगैरह वगैरह? गुरु है, कुछ भी कह सकते हैं, हींग। देखिए धर्म गुरु हैं हमारे, आदरणीय हैं, वो कुछ भी शब्दावलियों का प्रयोग करें, लेकिन हकीकत यही है कि जो धर्म निरपेक्षता की अजवाइन हम लोग ने ली है वही इस देश के लिए स्वास्थ्यकर है। और बाकी चीज़ें ये है कि चाहे हमारी पार्टी हो और चाहे बसपा हो और चाहे रालोद हो, इसके तीनों जनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू ही हैं, शायद हमको रावत साहब को बताना नहीं है, उनको पता होगा। दूसरी चीज ये भी हम बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 11.5 साल केंद्र के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, और प्रदेश में भी 4 साल सत्ता की मलाई चाटी है इन्होंने, असल राष्ट्रवादियों के साथ, पीडीपी के साथ। और वसीम अकरम के पास क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को कॉलोनी बसा दी? ठीक है कपिल जी, ठीक है कपिल जी, हमें समझ में आ गया। आपका कहना यह है कि धर्मनिरपेक्षता की अजवाइन आपके पास में है, और कर्नल दयाशंकर दुबे के पास में कौन सी अजवाइन है, कौन सी हींग है, कौन सी पेट की गोली है, कौन सी हाजमे की गोली है, आगे मैं पूछ लूंगा। लेकिन सुचि जी मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, एक ऐसे वक्त में जबकि एक तिहाई सीटों पर मतदान हो गया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के मैं कंफ्यूज हूं। शॉटगन जो 3 दशक बीजेपी की राजनीति करने के बाद कांग्रेस में आए हैं, और अभी अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए मायावती और अखिलेश जैसा, इस बयान का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री तो आप लोगों के हिसाब से, कांग्रेसी के लिहाज से राहुल जैसा होना चाहिए ना? देखिए लोकतंत्र का सौंदर्य यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समान रूप से वितरित हो, बाकी बहुत सारी चीजें वोटर्स में, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पावर हमारे वोटर्स में सन्निहित है, ये हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। तो किसी के स्टेटमेंट को तरजीह देने के बजाय, जैसे हम 2 चरणों के मतदान को डिस्कस कर चुके हैं, वैसे ही हम लोग 23 मई से पहले रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जिसको सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाए वो व्यक्ति योग्य हो और सच बोलता हो। और आज पूनम सिन्हा के साथ रोड शो में भी शामिल दिखे थे सुचि जी। जी जी देखिए, अगर आपसी तालमेल इतना अच्छा है, इतना बेहतर है, तो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट खड़ा ही ना करते लखनऊ में? तो बीजेपी में बहुत सारे लोग मिनिस्टीरियल पोस्ट पर हैं जिनके हस्बैंड या उनकी वाइफ्स ऑलरेडी पार्टी से जुड़ी रही हैं, या समाजवादी में भी ऐसा है, या रालोद में भी ऐसा है। तो ये व्यक्ति विशेष, उसकी विचारधारा, उसके मंतव्य की बात है, इस पर क्या चर्चा करना। अच्छा चुनाव बीतते बीतते और रिजल्ट आते आते क्या ये नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी महागठबंधन और कांग्रेस के बीच में? देखिए आश्चर्य तब नहीं होता जब हम कुछ कहते हैं, कपीश जी कुछ कहते हैं, दयाशंकर जी कुछ कहते हैं। आश्चर्य तब होता है जब धर्म गुरु ये बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन है और हिंदुत्व है, तब ये संशय होता है कि क्या भाई लग्न में राहु है, फिर अष्टम में शनि वक्री है। सुचि जी ये बताइए ना, ऐसी ग्रह की दशा है क्या? बड़ा मजेदार बोल रही हैं सुचि जी। नहीं नहीं, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ। हाँ जी, संशय तब उत्पन्न होता है जब हम ये सोचने में संदिग्ध हो जाते हैं कि संविधान भी सही से नहीं पढ़ा और सुंदरकांड भी सही से नहीं पढ़ा। सुचि अभी आपने क्या बोला सुचि जी, एक बार फिर से दोहराइए ना, बड़ा मधुर लगता है आपके कंठ से, आपके कंठ से बड़ा मधुर लगता है। आप वो वाली बात दोहराइए ना, वो क्या है अष्टम वक्री और राहु केतु, क्या है ये? मेरे ख्याल से अच्छे सावत के पास में जाना चाहिए। लगन में राहु और अष्टम में शनि वक्री। हाँ, लगन में राहु, अष्टम में शनि वक्री। मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, मैं तो बड़ा अज्ञानी हूँ। अच्छे सावत, ये क्या वक्री हो गया? नहीं नहीं, ये क्या वक्री हो गया, समझाइए थोड़ा सा। दो चरण के बाद ये क्या हो गया? अष्टम में राहु शनि वक्री, ये क्या हो गया डॉक्टर अच्छे सावत, क्या हो गया ये? रावत जी तो इस चैनल पे राशिद जी, मुझे ये नहीं पता जो श्रुति जी हैं ये किस पार्टी से, क्यों मैं अभी देख नहीं पा रहा। सुचि जी जो है कांग्रेस की देश की बहुत मुखर प्रवक्ता हैं, सुचि जी एक अध्यापिका भी हैं, कांग्रेस की बड़ी तेजी के साथ में उभरती हुई नेत्री भी हैं। बड़ी बात यह है कि धारा प्रवाह हिंदी बोला करती हैं, और हाँ अलंकारों का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करती हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार जबरदस्त इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इनसे पंगा मैं तो नहीं लेता, आपको लेना हो तो बोल सकते हैं आप। जी नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि लगन में राहु अष्टम में शनि बकरी है, आप बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है, आप बता दीजिए। क्या आप तो प्रवक्ता हैं कि लगन में राहु किसके आ गया है और बकरी अष्टम में शनि किसके चल रहे हैं, और इसका प्रभाव क्या होने वाला है?
बिल्कुल कुछ आप भी बताइए रावत जी। जी रावत जी, विभिन्न चैनलों पर हम आपके पेड वर्जन देखते हैं जहां पर आप ग्रहों की परिस्थिति, काल, दिशा और दशा पे, उनके एस्पेक्ट्स पे, उनकी परिस्थितियों पे बात। मैं कहीं पेड़ नहीं चलता, मैं कहीं नहीं पेड़ चलता। बहुत बढ़िया, नहीं नहीं गलत लेकिन क्या बताएं, तो थोड़ी अपने आप को कहते हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट। मैं भी विशारद हूँ। हाँ। मैं भी विशारद हूँ जी। तो रावत जी, हम लोग धर्म पे शास्त्रार्थ कभी करेंगे और आपसे आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने कहा लग्न में राहु अष्टम में शनि बकरी, कांग्रेस ने क्या किया जब कश्मीर की समस्या उलझी तो कांग्रेस के द्वारा उलझी, वहां से हिंदू विस्थापित हुए तो कांग्रेस के द्वारा हुए, आतंकवाद से कलवा लगा भी जोड़ रही शुरुआत करी, तो आप दूसरों पे कैसे आरोप रख सकते हैं? तो सांप्रदायिकता तो आपने फैलाई है। देखिए नहीं तो आपने कश्मीर की हिंसा से अपने नहीं, मैं लज्जित नहीं हो रहा, आप कहने के लिए फ्री हैं, आप कुछ भी बोले लेकिन तर्क के साथ बोले और तर्क के साथ जवाब दीजिए। सात साल आपने राज किया, कश्मीर की समस्या सुची जी आप भी रुक जाइए, आप दोनों ही लोग रुक जाएं, आप दोनों ही गणमान्य रुक जाएं, क्योंकि काफी देर से वसीम अकरम नहीं बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान वाले नहीं है, पाकिस्तान वाले बॉलर नहीं है, मेरे साथ डिबेट में है वसीम अकरम। हमें थोड़ा समझाइए ये बुरके के नाम की पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं। फर्स्ट फेज में वहां मुजफ्फरनगर में बुरके के नाम की पॉलिटिक्स हुई थी, सेकेंड फेज में करण सिंह तवरकर ने की है, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जैसों ने की है, एक बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 21वीं सदी के लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई होती है, यहाँ मुद्दे गायब हो जाते हैं। 5 साल से जो सरकार जो अपने वादे लेकर आई थी 2014 में, जो अपना घोषणा पत्र लेकर आई थी, वो उन पर बिल्कुल बात नहीं कर रही है, और बात को मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कभी बुरका और कभी दूसरी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें सियासी मैदान में छोड़ी जा रही हैं। पहले बालियान जी ने कहा, उससे पहले बालियान जी का एक और बयान था वहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक गांव है सुजलू, उसे लेकर के उन्होंने बहुत गलत बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पिछले 5 साल में 8,000 वोटें बढ़ गई, ये संजीव बालियान जी जो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा था। अब तंवर साहब कह रहे हैं इसी चीज़ को, यानी कहीं ना कहीं ये इस पूरी कोशिश ये है कि इस चुनाव को, मुद्दे तो वैसे ही गायब हैं चुनाव से, थोड़ा सा इससे सांप्रदायिकता की चाशनी में और डुबो दिया जाए, इसलिए बार बार बुरका आ रहा है, बार बार बुरका आ रहा है कि मुसलमान एक ऐसी फुटबॉल बन गया है, ठीक है, जिसका नाम लेकर के किसी भी मुद्दे को आप भटका सकते हो। वायनाड में राहुल गांधी जब नामांकन करके आए थे, उसके बाद में कई दिनों तक चर्चा चली इस पर, अब बुरके की बात हो रही है ऊपर से, और ये क्या गारंटी है? आप सवाल इसमें यह है कि जब बुरका है तो वहां पे मतदान केंद्र के अंदर महिला अधिकारी भी होती है, और जाहिर सी बात है अब तो फोटो भी आ गए वोटर लिस्ट पे, फोटो के साथ में, तो फोटो के साथ मिलान हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, उसके बावजूद आप सवाल उठा रहे हो, तो ये आपकी हार की बौखलाहट है। मैं तो एक ही चीज मना रहा हूं, मैं तो एक ही चीज मना रहा हूं कि अगला जो चरण है ना वो रामपुर में है, और रामपुर में कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ये ना कह दे कि बुरके में आती हुई महिलाएं जो है फर्जी वोटिंग कर रही हैं। कबीर जी, क्या हो जाएगा फिर रामपुर में अगर रामपुर से भी ऐसी बात उठ गई तो? मुझे बड़ा डर है। नहीं नहीं, अब जनता जो है वो समझ चुकी है और ये सब बातों पर जाने वाली नहीं है। जनता अगर आस्था को परवान चढ़ा रही होती तो आज इतना नीचे स्तर पे जो चुनाव का प्रतिशत आया है ये नहीं आया होता। ये सीधे बता रहा है कि बेरुखी है जनता की सरकार के प्रति, और वही जनता बाहर निकली है जिसके अंदर इनके विरुद्ध आक्रोश है, यही साबित कर रहा है। अब बुरका उरका कोई मुद्दा नहीं है, न छद्म राष्ट्रवाद कोई मुद्दा है, सारी दुनिया जान गई है, सारी सच्चाई जान गई है। अब मुद्दा है बेरोजगारी का, ये बेरोजगारी का आंकड़ा जो इन्होंने गायब कर दिया अपने 2019 के संकल्प पत्र से, तो अब कर्नल साहब हमको जवाब देंगे क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, एकदम आंकड़े पे ही बात करते हैं। ये बताएंगे कि 2014 में इन्होंने कितना रोजगार और नौकरी दे दिया, कि 2019 के संकल्प पत्र के 75 क्रम पर कहीं भी नौकरी और रोजगार नहीं लिखा है, यही इनसे पूछ लीजिए। 2019 में 2014 का मैनिफेस्टो बार बार सामने आता है, संकल्प पत्र के संकल्प आपने पूरे नहीं किए, लेकिन एक खास तस्वीर आ जाए। मेनका गांधी जब आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची, मीडिया कर्मियों से घिर गई। वो मेनका गांधी जो पिछले लगातार कुछ दिनों से बहुत ही एग्रेशन के साथ, बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रही थी, चाहे वो चुनावी सभा को संबोधित कर रही हो, चाहे वो लोगों से बात कर रही हो, आज बहुत ही प्यार से उन्होंने मीडिया से बात की, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्माइल के साथ उन्होंने बात की। और जब उनसे पूछा गया कि 48 घंटे आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा अध्ययन।
क्या अध्ययन किया गया, क्या बीजेपी के आलाकमान नेताओं के जरिए कोई मैसेज उन्हें दिया गया कि प्यार से पेश आइए? मुझे लगता है यदि पत्रकार के साथ कोई भी, हमारा एक बड़ा स्थापित चौथा स्तंभ है, यदि कोई भी प्यार से बात करता है और मुस्कुरा के बात करता है तो मुझे लगता है वो आदमी आप सबके भी ये बड़ा परिवर्तन था कर्नल, और इस पर हम चर्चा ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन था पिछले दिनों के मुकाबले आज में। हाँ तो परिवर्तन होगा ना, आप लोग इसीलिए तो है हम सब में परिवर्तन डालेंगे, किसी भी पार्टी का हो आप लोग परिवर्तन डालते हैं, आप ही लोगों की वजह से हम लोगों का व्यवहार जो है इसमें पारदर्शिता आती है, पूरी नहीं आती लेकिन आती तो है। ये मैंने देखा है कि पहले कहा जाता था कि जहां न पहुंचे वहां पहुंचे कभी, अब आज के दिन में ये हालत है कि जहां कोई नहीं पहुंच पाता है रिसर्च भारतीय क्रिकेट टीम में, भारतीय क्रिकेट टीम में इस बात दो बल्लेबाज जो है, दो बल्लेबाज ना सम्मान करना चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, डिफेंस के मामले में बड़े जबरदस्त अच्छी बात है, इस पर चर्चा नहीं। एक जमाने में भारतीय क्रिकेट टीम में दो बल्लेबाज डिफेंस के मामले में बड़े जबरदस्त रहे हैं, एक राहुल द्रविड़ और दूसरा संजय मांजरेकर। आज आप बिल्कुल राहुल द्रविड़ और संजय मांजरेकर की तरह बिल्कुल डिफेंसिव मोड में हैं। अब डिफेंसिव मोड से क्या समझे पता नहीं, एके अपनी राइफल से क्या निकाल लेंगे, आपका बड़कपन है। पता नहीं एके राइफल क्या निकालेंगे डिफेंसिव मोड पे, एके आज बीजेपी डिफेंसिव मोड में क्यों है? मैं बता रहा हूँ, हींग अजवायन की बड़ी बात हो गई। एक कहावत भी है कि हींग लगे ना फिटकरी और स्वाद भी चोखा। भारतीय इलेक्शन में कुछ इलेक्शन ऐसे हुए हैं ना जहां बिना मेहनत के बंदर के हाथ जो है, बिल्ली के हाथ, बिल्ली के भाग से छीका जो है फूट जाना, यानी बिना मेहनत के मिल गया। जैसे इंदिरा गांधी जी की जब मौत हुई थी तो राजीव गांधी जी बहुत बड़े मतों से जीते थे। उसके बाद आप देखिए जब चक्र का निशान मिला था तो वीपी सिंह जो है एक अलग से उभर के नेता आए, क्लीन स्वीप हो गया। 2014 का भी इलेक्शन ऐसा था। नोट करने वाली बात क्या है, चाहे बीजेपी हो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, राशिद देखिए बिना मेहनत के जब मिल जाता है ना तो यही चीजें होती है। अब की बार जनता ने यह दिखाया है कि भैया पसीने तो सबको टपकाना पड़ेंगे, सबके माथे से पसीने जो है टपक रहा है चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। यानी परसेंटेज देखिए, वोटिंग इतनी कम चली गई है, देखिए जीतेगा हारेगा तो है ही कोई ना कोई, लेकिन हाँ अब की बार नेताओं को भी मेहनत करना पड़ रहा है। 2014 में रीजन चाहे जो रहा हो, कोई कहीं से खड़ा हो गया सब जीत गए, इसीलिए डिफेंसिव मूड पे है क्योंकि अब भागना पड़ रहा है। देखिए एक और मुझे याद है, आप ही के टीवी चैनल पे आरएसएस के एक प्रवक्ता ने बोला था पिछली बार 70% 75% 80% हम लेके गए और अब की बार हमारी कोशिश है कि वोटिंग 98% 95% जाए। क्या हुआ साहब, आरएसएस वाले गए फिर भी नहीं निकल रहे हैं वोटर, और यह सपा बसपा का गठबंधन बन गया तब भी वोटर नहीं। देखिए मैं दोनों की एनालिसिस करता हूं, सपा बसपा का गठबंधन ऐसे बना मुझे लगा कि फेविकोल का ब्रांड फेल। अब की बार तो कम से कम 80-90% वोटिंग जाएगी, वो भी फुस हो गया। आरएसएस की 6 मिलियन इनके मेंबर्स है, मुझे लगा ये निकालेंगे जरूर क्योंकि फिर से जीतना है, वो भी देखिए जीतेगा तो है ही कोई ना कोई, सरकार बनेगी। इतने बड़े बड़े फोर्सेस थे, अभी देखिए बारिश की बात हो रही थी भाई, नोटों की बारिश हुई है, पक्ष विपक्ष ने किया है तो वोटों की भी बारिश, तो यही वोटों की बारिश है। एक ने किसानों को 6000 रुपए दे दिया, एक किस्त दे भी दी 2000, एक ने 72000 रुपए साल का दे दिया। कहने का मतलब यह है जनता इन लोगों के छलावों को समझ गई है, इनके चेहरे का जो नकाब है, इसीलिए पिछली बार जो वोटर बड़ा एक्टिव था, जिसने आगे बढ़ के किसी को चुना था, अपनी इच्छा दिखाई थी एक बदलाव के लिए, वही वोटर आज घर में बैठा हुआ है। कपिल जी इसका जवाब देंगे। कपिल जी ऐसा है क्या, एसपी बीएसपी के बीच में फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो गया है क्या, जैसे एके मिश्रा जी बोल रहे हैं, और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने ये कहा वोटों की बारिश तो हो रही है, जूतों की बारिश को लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया, वो क्यों? कपिल जी ये किस चीज की बारिश? कपिल जी अखिलेश यादव ने कहा ना कि वोटों की बारिश हो रही है लगातार, लेकिन आज जूता कांड पर भी उन्होंने बयान दिया, कहा जूतों की बारिश भी हो रही है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। हाँ हाँ वही वही उसी को मैं कंफर्म कर रहा था, और मिश्रा जी की बातों से मैं एकदम सहमत हूँ कि उन्होंने जो मुहावरे में जो उन्होंने शब्दावली प्रयोग की है वो बड़ी ही मर्मस्पर्शी है कि फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं। देखिए भविष्य में हमेशा ही जब बात करनी चाहिए तो सकारात्मक रूप से करना चाहिए, और राजनीति अनिश्चितताओं से भरे हुआ होता है, लेकिन अगर सकारात्मक रूप से कोई बात एक साथ हुई है, बोलिए साहब बोलिए, चलिए आप किसी भी टोन में बोले हम तो उसको अपनी दृष्टि से ग्रहण करेंगे। माननीय मिश्रा जी सहूलियत की राजनीति करना सबका अधिकार है सर, मिश्रा जी पिक एंड चूज,
इसी को मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल मायोपिया। नहीं नहीं, मैं तो अपने हिसाब से लूंगा ना, हम अपने चश्मे से देखेंगे, हम अपने चश्मे से देखेंगे। ये मेरा अधिकार है, ये हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अरे तो करिए संविधान का मिसयूज कि जो वोटों की बोलूंगा नहीं। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, बोलिए। अरे मिश्रा जी कहाँ चले जा रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ जी जी, मिसयूज मैं कभी नहीं करता हूँ, ना हमारी पार्टी करती है। मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि जो लोग मिसयूज कर रहे हैं आज, उनके खिलाफ जो है वोटों की बारिश हुई है। और पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करने वाली पार्टी के ही अंदर जूतम पैजार की भी बारिश हुई थी, पूरे देश से छुपी नहीं है। तो वो संस्कार भी, एक नया संस्कार डालने का काम इस देश के अंदर हुआ है। खैर ये दोबारा ना हो, यही मेरी प्रार्थना प्रभु से होगी। लेकिन इसमें निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि ये जो भी आप बारिश देख रहे हैं माननीय मिश्रा जी, ये सब गठबंधन के लिए हुआ है। गठबंधन का जो 50% मत था वही निकला है, और इनको मत ही नहीं मिला, यही सच्चाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी बारिश हो गई और सारी बारिश हो गई। दो सेकंड देखिए, एक मिनट बस, शुचि जी से भी पूछ लेते हैं। शुचि जी, कांग्रेस भी नहीं भीग पाई क्या? बीजेपी का तो सूखा हो गया, अखिलेश के मुताबिक कांग्रेस भी भीग नहीं पाई क्या? कि अपने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप व्यक्ति अपने अपने स्टेटमेंट्स देता है, लेकिन फिर मैं कहूंगी सारी पावर्स जनमानस में सन्निहित हैं। और कौन कितना भीग रहा है, कहां कितना सूखा पड़ रहा है, कौन दलदल की स्थिति में है, कौन नदी पार करने की स्थिति में है, कौन छाता नहीं खोल पाएगा, किसको रेनकोट चाहिए, ये सब स्थितियां बहुत जल्दी स्वतः स्पष्ट हो जाएंगी। और जिसने जिस अनुरूप कर्म किए होंगे वो भी बहुत जल्दी फलीभूत है। तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आप वेट एंड वॉच का तो इशारा दे दिया ना राहुल गांधी ने, आज कह दिया कि ना ही मैं कंफर्म करूंगा ना ही इसे खारिज करूंगा। तो वेट एंड वॉच तो सबकी नजरें इसलिए भी हैं बनारस की सीट पर कि क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी भी जब लोगों के बीच पहुंची थी मजाकिया लहजे में पूछ लिया था कि बनारस से लड़ लूं क्या चुनाव। हाँ, दरअसल काशी क्योटो में परिवर्तित हो चुका है, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत। आपको तो पता होगा सुजी जी, टेम्स में परिवर्तित चल क्या रहा है पार्टी के अंदर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने बता दिया ना कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, अभी वो ये नहीं बताएंगी, एक एक जी, एक, जी। एक ईमानदार सिपहसालार की तरह, लेकिन वो ये बता देंगी कि काशी जो है क्योटो में परिवर्तित हो गया है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि काशी क्योटो में परिवर्तित हो गया है, वैसे ही कर्नल दयाशंकर दुबे कुछ रिसर्च करने लगे, कुछ लिखने लगे। हालांकि ये नैसर्गिक भी हो सकता है या गैर नैसर्गिक भी हो सकता है, इसके इसके बारे में अध्ययन बाद में करते रहेंगे। डॉक्टर एच एस रावत, एक चीज समझाइएगा आप। हाँ डॉक्टर एच एस रावत जी, हाँ जी। चूंकि आप एक हिंदू धर्मगुरु हैं और अभी जो जितने भी धर्मगुरु हैं ना, जितने भी धर्मगुरु हैं, अखाड़ा परिषद वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए जो संत हैं, बाकी जो अयोध्या वाले संत हैं, अलग अलग अखाड़ों के जो संत हैं, अयोध्या से लेकर के प्रयागराज तक के जितने भी संत हैं, अलग अलग तरह से अपना अपनी राय और अपना नजरिया रखते हैं। आप अगर अयोध्या में छावनी मंदिर चले जाएंगे तो वहां पर कुछ अलग नजर आएगा, हनुमानगढ़ी चले जाएंगे वहां पर कुछ अलग नजर आएगा। ठीक इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम लखनऊ से चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, उन्हें पायलट बाबा भी सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर बाबा भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बाकी भी साधु संत उन्हें सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में भी और क्या सभी धर्मों के अंदर भिन्न भिन्न विचारधाराएं होती हैं और भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग भी होते हैं, कुछ भक्ति मार्ग के होते हैं और कुछ योग मार्ग के होते हैं। तो इसलिए यहाँ जो दूसरे कांग्रेसी माइंडेड जो साधु संत हैं उनको लगता है कांग्रेस की अच्छी सोच हो सकती है, वो उधर सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो हिंदुत्ववादी हैं जिनको ऐसा लगता है भगवान राम आज भी टेंट में हैं, ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के साथ, हिंदू धर्म के साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो उस वजह से वो योग धारा वाले हैं जी, वो भक्ति धारा वाले हैं, योग धारा वाले हैं, नहीं वो कांग्रेस धारा वाले हैं, वो कांग्रेस अच्छा, धारा वाले हैं, वो ना अच्छा, भक्ति योग के हैं और ना ही वो कर्म योग के हैं। उनको तो अपनी कांग्रेस विचारधारा से बात करनी होती है, क्योंकि वो एक तरफ बोलते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं और वो मुसलमानों के साथ में बोलते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं उनकी साथ उनकी कोई वसीम अकरम के पास योग और वसीम अकरम के पास एक बार फिर से आना जरूरी है। वसीम अकरम, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, 186 सीटों पर चुनाव हो गया है और 186 सीटों पर चुनाव में हर किसी की, देखिए मंडल और कमंडल से उत्तर प्रदेश बाहर आ नहीं सकता, और मंडल और कमंडल से जब बाहर नहीं आता है तो फिर मुस्लिम वोटर्स का रुझान किस तरह का रहा है, मैं ये तो नहीं पूछूंगा क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, मैं ये तो नहीं पूछूंगा किसको वोट देगा मुस्लिम या नहीं देगा मुस्लिम,
लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, जो पिछले 5 साल का जो हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं मौजूदा गवर्नमेंट का, जो बीजेपी जो सत्ता में है, तो एक तो वो अपने जो वादे थे उन्हें पूरे करने में नाकाम तो रही है। इसके साथ साथ जो पिछले 5 साल में जो घटनाएं घटी हैं खास तौर से माइनॉरिटी के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं और इनके जो अनुषांगिक संगठन हैं वो ये संदेश देने में मुसलमानों को कामयाब रहे हैं कि अगर हम फिर से सत्ता में आते हैं तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो उन ताकतों के साथ में है जो देश में, ऐसा तो नहीं है। नहीं, कर्नल दयाशंकर दुबे इतने अच्छे मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं कहा नहीं नहीं आप कि अगर दोबारा सत्ता में आए तो आपकी खैर नहीं। ये ऐसे तो बहुत कर्नल दयाशंकर दुबे ऐसा तो आपने मुझसे तो नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, ये कर्नल दयाशंकर दुबे ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब आप गाय के नाम पर किसी इंसान को लिंच करते हैं, बीच में बोलने की शायद इजाजत मिल गई है पहली बार। नहीं नहीं, मैं पहले मेरी से आग्रह करूंगा, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनके वेलफेयर के लिए आप जो भी कहते हैं। नहीं, मैं वेलफेयर की ही बात करता हूं। देखिए, जान से ज्यादा वेलफेयर नहीं होता कर्नल साहब, आप समझ सकते हैं इस बात को। बिल्कुल, अभी जो आपने लांछन लगा दिया मुझे लगता है उस लाइन को आपने नहीं पढ़ा, सबका साथ सबका विकास वाली बात। मुस्लिम देखिए ना, बड़ा अजीब सा इस देश के अंदर कि मुसलमानों के लिए वोट जाकर के देवबंद से आप देखते हैं कि कौन मांगता है। धार्मिक हम हो जाते हैं। आपने कहा दंगा सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के टाइम पर भड़कता है, दंगा हम सब बताइए किस तरह की रवायत चल रही है? दुबे जी, मेरी क्यों नहीं आपकी बुद्धि खोल रही है? मुस्लिम अरे दुबे जी, एक बात तो बताइए आप मुझे, आपका आपका जैन कितने सामाजिक संगठन है, चार है, वो हावर से पढ़ के आते हैं, वो लोगों को माला पहनाते हैं, हमको बेसकदाट गाय के नाम पर हत्या करते हैं, मनो मोबलिंग अभिलाषा की उसी साहब का नवाड़ा का मिनिस्टर, नवाड़ा का किसान साहब जो आप जो केंद्र में आ रहे हैं, वो मुस्लिम के स्कॉलर जो जिस आप समुदाय को आपने सम्मानित करते हैं, आप उसके ब्रांड करने का क्रम साहब, मुख्यमंत्री जी अकरम साहब, वसीम अकरम साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप कहते हो वसीम अकरम साहब, आप वसीम अकरम साहब, नहीं आप वसीम अकरम साहब मेरी बात का जवाब दीजिए, आप बताइए इसी सीजन में, इसी सीजन में पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री यही वजह है जिसके वजह से महिलाओं चुनावी दौर में जब 4 बड़े चेहरों पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया 48 और 72 घंटे का, तो माया और आजम तो कहीं नजर नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिन तक नजर आए। आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग भी हुई। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की भी थी वोटों के परसेंटेज को लेकर। दयाशंकर दुबे जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि दूसरे चरण से ठीक पहले मुख्यमंत्री का इस तरह मंदिर मंदिर जाना, ये भी एक वोट बैंक में तब्दील हुआ होगा? क्योंकि चुक एंड पिक एंड चूज की राजनीति यहाँ पर हो रही है। कपीश जी कह रहे हैं कि बदलाव चाहती थी जनता, इसीलिए घरों से निकली और मतदान किया। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो ऐसे ही बैठे रहे क्योंकि वो बदलाव नहीं चाहते थे। पिक एंड चूज से हटके जवाब दीजिएगा। जी जी रचना जी, देखिए जो विपक्षी हैं वो तो उनका काम है कहना, उसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो ये आपके ऑब्जर्वेशन है ये मैं मान के चल रहा हूं कि एक संत आदमी मान लीजिए कहीं चले गए, हनुमान जी के दर्शन कर लिए, किसी मंदिर में चले गए, गाय को कुछ खिला दिए, तो पहले से खिलाते रहे, इसमें कोई नई बात तो है नहीं जिसे प्रचार हो जाएगा। बताइए, लेकिन हाँ ये जरूर जी, है सुची जी कह रही थी चौपर से कहां कहां जाना चाहिए, सुची जी एक बार बताइए ना अपने अंदाज में, उससे जनता कल आप बता रही थी सुची जी ने, आज ये समझिए कि सेकंड फेज का चुनाव तो हो चुका, लोगों ने मन बना चुका था। मैडम, 2-3 बातें मुझे करना है, राशिद सर यदि अलाउ कर दे तो। प्लीज प्लीज प्लीज, आप सर, आप सर ना, मेरा आग्रह आप लोगों से ये है कि समाज के अंदर ऐसे लोग हैं सर जिनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है फ्रंट में खेलने का, बोलते थे लोग, ये चल रहा था कांग्रेसी दुनिया की लोकोक्तियां थी जिसमें कहा गया फ्रंट फुट पर खेलेंगे, इतना बढ़िया खेल रहे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन हमें अपने कार्यों पर है, ये बुराई करते रहे, ये जितना बुराई करेंगे उतना ही मतदाता मजबूत होगा और हम लोगों को मजबूत करेंगे। सुन तो लीजिए दयाशंकर दुबे जी, बहुत बार क्या होता है ना, क्रिकेट मैंने भी खूब खेला है, बहुत बार क्या होता है बैकफुट पर आकर के भी ना बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी स्क्वायर ड्राइव लगती है, बहुत अच्छा स्क्वायर कट लगता है, बैकफुट पर आकर के बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा फ्लिक शॉट भी लगा करता है, बहुत बार बैकफुट पर आकर के भी मैच जीते जाते हैं, याद रखिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सेकेंड फेज को लेकर के। सेकेंड फेज में जो उत्तर प्रदेश में 62.30% मतदान हुआ है, यानी वोटर टर्नआउट 62.30% है, 2014 में 61.87% का था,
इसका मतलब यह है कि इस बार 0.43% मतदान बढ़ा है। आई रिपीट, 2019 में 62.30% और 2014 में 61.87%। इसका मतलब यह है कि 0.43% मतदान दूसरे चरण में बढ़ा है। एके 0.43% कितनी सीटें बना ले जाता है अगर सेफोलॉजी के हिसाब से मैं आपसे पूछता हूं तो? 0.43 तो बहुत इफेक्टिव है। आप 2 से लेके 4 या मैक्सिमम 5% भी वोट इधर से उधर हो जाए ना और कंसंट्रेटेड वे में, तो क्लीन स्वीप हो जाता है। राशिद, आप उठा के देख लीजिएगा वोटों का मार्जिन। देखिए, दो चीजें अलग अलग होती हैं। नंबर ऑफ सीट्स पता चला आपके 400 आ गए, लेकिन परसेंटेज शेयर देखेंगे तो पता चला बीजेपी को मिला 30%, जो हारने वाली है उनको 28%। तो परसेंटेज ऑफ वोट का जो मार्जिन होता है वो 2-4% का फर्क होता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नंबर ऑफ सीट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। कोई क्लीन स्वीप कर जाता है, किसी की सारी सीटें आ जाती है। लेते हैं ना शुचि जी, इस 0.43% में क्या ढूंढ रही हैं? उनसे ही पूछ लेते हैं। शुचि जी, 0.43% में आप अपने लिए कुछ ढूंढ पा रही हैं क्या? और अभी कर्नल दयाशंकर दुबे ये कह रहे थे कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है। फ्रंट फुट पर तो बल्लेबाजी भी होती है, लेकिन जब गेंदबाजी करेंगे तो आप लोग एक गेंदबाजी का बड़ा खास स्टाइल होता है। दूसरा क्या बीजेपी के सामने दूसरा भी डालेंगे आप लोग? देखिए, पैनल पे बैठे सातों लोग भारत के नागरिक हैं। आप निजी जीवन में राशिद जी कुरान शरीफ पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं या बाइबल में आस्था रखते हैं या अन्यत्र कोई पुस्तक पढ़ते हैं, ये मेरे मंतव्य का विषय नहीं, किंतु आप एक प्रबुद्ध पत्रकार के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। हम सब लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज का सम्मान करते हैं, जैसे RBI, जैसे CBI, जैसे ED, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को 72 घंटे के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रतिबंधित करता है, या सपोज आपके नाम राशिद जी कोई सम्मन इशू करता है या आपको इनवाइट करता है, अक्सर कोर्ट्स जो है वो ISPCS को पनिश करता है, तो उनसे कहता है कि कोने में बैठे रहिएगा शाम तक, आपका यही दंड है। तो जब वो दंडित करता है तो उसकी अवमानना करके हम स्वयं एक नागरिक होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति होने के नाते जिम्मेदारी से उसे स्वीकार करते हैं, ना कि मायावी तरीके से, है ना, मायावी तरीके से कि भाई हम तो गाय को रोटी खिला रहे हैं, हम तो फला मंदिर जा रहे हैं, हम तो हलाला पे बात कर रहे हैं, हम तो दलित के उसमें जा रहे हैं, हम तो ये सारा प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारा निजी जीवन और आस्था का विषय है। हाँ, बुर्के पे भी बात कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप मायावी कैरेक्टर इस प्राइम टाइम शो के बाद मेरी एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल बनता है तो आप प्रोग्राम है, नीचे देखिए चल रहा है, देखिए नीचे चल रहा है, आप सभी लोग देखिए, बुर्का बदनाम हुआ सियासत तेरे लिए, बुर्का बदनाम हुआ सियासत तेरे लिए। अच्छा, श्रावत जी कुछ बोल रहे हैं, सुचि जी एक बार सुन लेते हैं। देखिए, जिनकी राजनीति जी, मैं सुचि जी ये बताइए, योगी जी को कोई हाउस अरेस्ट किया था क्या? वो निकल नहीं सकते, उनके प्रचार पे बैन किया है, प्रचार बैन में चुनाव आयोग ने ये तो नहीं कहा कि आप कहीं दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते या आप कहीं पर बात नहीं कर सकते। उन्होंने, आप गलत मत बोलिए, आप गलत बोलिए, चुनाव के लिए बैन है आप, ठीक है, उत्तर सुन लीजिए एक बार, शुचि जी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। शुचि जी, जी बिल्कुल, नहीं नहीं मेरा शुचि जी, एक बार शुचि जी रिस्पॉन्ड कर दें, उसके बाद आप, कोई प्रश्न नहीं है। शुचि मैम देखिए, मैं आपको, देखिए हाउस अरेस्ट का कोई प्रश्न नहीं है। शुचि जी देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं राशिद जी? हाँ शुचि जी, आप बोल रहे हैं, सब लोग चुप हो जाएं, शुचि जी बोलेंगी और उसके बाद एके बोलेंगे, शुचि जी बोलेंगी और एके बोलेंगे। डॉक्टर रावत आ रहा हूँ आपके पास, शुचि जी बोलिए आप, उसके बाद एके बोलेंगे। जी जी, देखिए हाउस अरेस्ट का कोई प्रश्न नहीं है। आप अपने विभिन्न अवतारों में ये स्पष्ट कर दीजिए कि किस समय आप महंत हैं, किस समय आप मुख्यमंत्री हैं, किस समय आप पार्टी प्रवक्ता हैं, किस समय आपके अपने आप को मुकदमे माफ करने वाले जज हैं, किस समय आप भगवा उत्सव मनाएंगे, किस समय आप कांवड़ यात्रा करेंगे, किस समय आप करेंगे, किस समय आप गौशाला चलाएंगे, किस समय आप गड्ढा भरेंगे। हमें संवैधानिक अधिकार है उनका, वो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज बताएं। आपकी आस्था से भी आपत्ति नहीं है, आपके अटायर से भी आपत्ति नहीं है। आप मालेगांव प्लाज, अभी थोड़ी देर पहले आपने पता नहीं शायद दिखाया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाइक चल रही थी, या आप अभी साक्षी, बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें ये स्पष्ट कर दीजिए, हम आप पर उंगली क्यों उठाएंगे, लेकिन अगर आप घुमा के पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट्स को डाइवर्ट करके वोटर्स को इफेक्ट कर
करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके मैम, अगर आप स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एक-एक सुन लेते हैं, राशिद मैं आपको बताता हूं, उसके बाद एंड कमेंट के लिए कपीर जी और दयाशंकर दुबे जी के पास। इलेक्शन कमीशन का ये डिसीजन अच्छा है, अगर उन्होंने किसी को बैन किया किसी भी पार्टी को बहुत जल्दी टाइट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा तड़ी पार राजनीति में होता है जब जनता, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, 5 साल के लिए आपको तड़ी पार कर दे। ठीक है, 30 सेकंड का एक एंड कमेंट कपीर जी, उसके बाद दयाशंकर दुबे जी। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता ने चाहे पहला फेज रहा हो या सेकंड फेज रहा हो, दोनों पे मुद्दों के आधार पर वोटिंग की है और देश में विकास किस तरीके से, विकास के जगह पे पतन किया गया है, इसको उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया है। ठीक है, किसान मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और मजलूमों के ऊपर जो अत्याचार हुए ये मुद्दा है और इस मुद्दे को बना करके लोगों ने अपना वोट डाला और ये सब सरकार के विरुद्ध। दयाशंकर जी, राशिद जी, जी इजाजत है? हाँ बोले, आप बोले, निवेदन है जी। आज के चुनावी परिदृश्य में बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम आदर्श का ये चुनाव है और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो मोदी जी के खिलाफ है। ठीक है, जनमानस इस बात को समझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है, शंकर दुबे जी, अजयवीर जी, डॉक्टर एच एस रावत, सुची जी, एके मिश्रा जी और वसीम अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया राजधर में इस डिबेट के 1 घंटे के सेशन में हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन राशिद वो गजल भी हमने सुनी है ना कि दिल की गुर्बत के लिए ख्याल अच्छा है, इसी तरह से दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल सभी पार्टियां रख रही हैं। जैसे आपने बताया भी कि पिछली बार से कुछ वोट परसेंटेज बढ़ा है, सभी को लग रहा है कि हमारे फेवर में ये वोटिंग हुई है, हालांकि उसके लिए 23 मई तक का इंतजार करना होगा। और उसमें एक लाइन और भी है, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है, 23 मई को पता भी चल जाएगा। और दूसरी बड़ी बात और भी है, यहां से अब जो चुनाव है वो रामपुर की तरफ बढ़ निकला है और इसलिए एडिटोरियल स्टैंड सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि सियासत में शिष्टाचार बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं अब इस इलेक्शन से आगे। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।